अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज की जो वीडियो है वो किसी टॉपिक लेक्चर वाले टॉपिक के ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़ी अटेंटिवली सुनिएगा और जहाँ तक हो सके इसको फॉलो भी कीजिएगा। देखिए, जैसे आपने यूट्यूब पे और या आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या लिटरेचर रिव्यू के जरिए डिफरेंट वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि एजिथ्रोमाइसिन और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यून है, दे हैव बिन फाउंड वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं और जो बहुत मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको प्रोफाइलेक्टिक लेना शुरू कर दें। देखिए, ऑब्वियसली सी बात यह है कि ये ड्रग अभी एफडीए ने अप्रूव नहीं की, ना ही प्रोफाइलेक्टिकली उसने अप्रूव किया और ना ही ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव की है। फ्रांस में और चाइना में एक रिसर्च के रिजल्ट में हमें ये पता चला है कि उस रिसर्च के मुताबिक ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये उस वायरस को किल करने में और वायरस लोड कम करने में बड़ा इफेक्टिव साबित हुआ है। सो ऑब्वियसली एफडीए को इसको अप्रूव करने के लिए काफ़ी सारा भी डाटा चाहिए जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और जल्द ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और होपफुली वो एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे। और एफडीए के अप्रूवल के बाद ही हम कोई बात कर सकते हैं। तब तक ऑब्वियसली फिजिशियन या डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, आपकी हिस्ट्री को रिव्यू करते हुए, आपके साइन एंड सिम्टम को रिव्यू करते हुए, आप जो अगर कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं उसको रिव्यू करते हुए, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्वियसली आप इधर आपको ये मेडिकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें इसको, क्योंकि ये ड्रग इतनी भी ज़्यादा सेफ नहीं है। हाई डोज पे ये बड़े टॉक्सिक इफेक्ट आपको कर सकती है। और दोनों जो ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और आपकी जो है एजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों जो है वो क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन करते हैं। सो इसका मतलब है कि हार्ट के पेशेंट के को ये मेडिसिन लेते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सिमिलरली डायबिटिक पेशेंट हो जाएं, या साथ में अगर आप कोई और ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग से इंट्रैक्शन हो सकते हैं, आपको अगर हेपेटिक या कोई रेनल प्रॉब्लम है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑब्वियसली जब आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी इन सारी चीज़ों को रिव्यू करने के बाद वो आपको मेडिकेशन रिकमेंड करेगा। सो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन पे मत जाएं। हमारे जो डॉक्टर हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, आप उनसे कंसल्ट करें और उनकी फिर इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें। सेकेंड थिंग इज़, अभी जो ये वीडियो पे ग्राफ चल रहा है आप इसको देखें कि वो तमाम कंट्रीज जो जिनके अंदर ये इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो स्लो डाउन हो गया है, उसमें सबसे देखें ऊपर साउथ कोरिया है, देन जापान है, देन जो है वो हांगकांग है एंड सिंगापुर है। अब ये कंट्री के इन कंट्रीज के अंदर ना अब हमें देखने की ज़रूरत है कि इनके अंदर स्प्रेड इन्फेक्शन कितना ज़्यादा कम क्यों हो गया। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम जो नीचे वाले दो हैं जिनमें हांगकांग और सिंगापुर आता है, अगर आप इनको देखें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो क्वारंटाइन की पॉलिसीज थी, जो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन की पॉलिसीज बनाई गई थी, उनको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। इसका मतलब है कि कम्युनिटी ने, नेशन ने अपनी गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया है। दिस इज़ द रीज़न कि इनके अंदर इन्फेक्शन का स्प्रेड इतना ज़्यादा स्लो हो गया है। स्कूल बंद हो गए, जो कि यहाँ भी बंद है, लेकिन स्टिल लोग जो है वो सोशलाइजेशन कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए आपके स्कूल या यूनिवर्सिटीज को इसलिए नहीं बंद किया गया। और यही वजह है कि इमरान खान ना दूसरी दफ़ा वो आया और वो एड्रेस करके गया है, वो हाथ जोड़ के गया है कि प्लीज़ सोशलाइजेशन को कम करें, अपने घरों में स्टे करें, खुद को ऑब्जर्व करें। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो अपने जो है वो डॉक्टर से रेफर करें। और दूसरी बात ये है कि लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि जो आपके पास वाला बंदा अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, उसको जुकाम है, उसको फ्लू है, तो ही आपको उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। नहीं, आपका ये जो कोरोना वायरस है बेसिकली ये आपकी बॉडी के अंदर एक्सपोजर से लेकर तकरीबन 7 दिन ले सकता है आपको सिम्टम्स अपीयर होने में, बल्कि 14 डेज भी ले सकता है। इसका मतलब इन 7 दिनों में, 5 दिनों में, जब तक उसको पेशेंट को सिम्टम नहीं आ रहे, वो कैरियर तो है ना, इसका मतलब एक नॉर्मल पेशेंट जो आपको लग रहा है कि वो नॉर्मल है, वो भी आप वो कैरियर के तौर पर आपको इन्फेक्ट कर सकता है, वो आपके अंदर वायरस ट्रांसफर कर सकता है। सो आपको हर बंदे से बचने की ज़रूरत है, आपको हर बंदे से डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है, हैंड शेक करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हवा के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके हवा एयर के अंदर भी ये वायरस तकरीबन 24 आवर तक सर्वाइव कर सकता है। प्लास्टिक के ऊपर और ये स्टेनलेस स्टील्स होते हैं, इनके ऊपर भी अप्रॉक्सीमेटली ये 2 से 3 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब आप किसी जगह पर स्टेयर चढ़ रहे हैं, वो साथ उसको एक लगी होती है, वो पाइप सा लगा होता है, उसको पकड़ के स्टेयर चढ़ रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल है वहीं से कोई पेशेंट गुजरा हो,
जिसको, या कोई कैरियर बंदा गुजरा हो, तो आप वही फिर वो हाथ टच करेंगे, आप अपने मुंह को लगाएंगे, जुबान को लगाएंगे, तो आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। सो एक तो हैंड सैनिटाइजर पास रखें, किसी भी अननेसेसरी चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन से आप उसको अपने हैंड को सैनिटाइजर कर लें। बेहतर तो ये है कि अपने हाथ, अपने मुँह, नाक और आँख को टच ही ना करें, क्योंकि यहाँ से जो वायरस आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, अवॉइड करें। लेकिन फिर भी सिमिलरली करेंसी नोट्स, ये बहुत बड़ी रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि करेंसी नोट तो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे होते हैं ना, तो किसी भी आप करेंसी नोट को जब टच करते हैं तो फ़ौरन से उनको अपने हैंड सैनिटाइज़र करें। घर जब बाहर से जब आप घर आते हैं तो प्लीज़ आके कम से कम 20 to 30 सेकेंड अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से साफ करें, अपने मुंह को अच्छे तरीके से धो लें, ताकि वायरस आपका स्प्रेड ना हो। बींग अ नेशन, हमें मिलकर ये सारी एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। हम ट्रीटमेंट की तरफ मत भागेंगे, ट्रीटमेंट कौन सा पॉसिबल आ रहा है मार्केट में, आप प्रिवेंशन की तरफ भागें कि ये वायरस हमें हो भी ना और ना ही आगे हमसे फैले। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि प्लीज़ 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 अपने आप को घरों के अंदर रखें, पार्टीज और इन घूमना फिरना इसको लिमिटेड कर दें, जब तक कि हम सेफ जोन में नहीं चले जाते। बेशक अभी हमारे पास केस कम है, लेकिन यकीन माने कि ये रेशो बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर हमने एहतियात ना की।